आरसीबी दफ्तर पहुंचे समीर वानखेड़े, वसूली के आरोपों को किया खारिज। आशीष रंजन प्रसाद से भी होगी पूछताछ। देश में कोरोना का प्रकोप अभी भी बरकरार, बड़ी संख्या में हो रही मौतें। पिछले 24 घंटे में 700 से ज्यादा लोगों की गई जान। रोहतास में स्थापना दिवस को लेकर डीएम धर्मेंद्र कुमार की मौजूदगी में की गई बैठक, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। 10 नवंबर को जिला मुख्यालय सासाराम में निकाला जाएगा मार्च। मधुबनी में 28 अक्टूबर को चलाया जाएगा कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान, तैयारियों में जुटा स्वास्थ्य विभाग। जिला पदाधिकारी ने दिए दिशा निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर किश्तवाड़ से जम्मू आ रही मेटाडोर में खाई के गिरने से 8 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसमें सवार 12 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मौके पर पुलिस और अन्य ग्रामीण लोगों को बचाने के लिए राहत अभियान जारी है। इसी के साथ ही घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। वहीं इस दुर्घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया और अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर के डोडा में ये बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल खाई में मेटाडोर के गिरने से कई लोगों की जान चली गई है, 8 लोगों की जान गई है। और ऐसे में इस पूरी घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है, ट्वीट कर संवेदनाएं दी हैं। और ऐसे में उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर ट्वीट भी किया। हालांकि अब आपको बता दें कि मरने वालों और घायलों के लिए मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है, और लेकिन अभी भी राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। तस्वीरें देख सकते हैं कितना भयानक ये हादसा है, कितनी गहरी खाई में मेटाडोर गिरी। और ऐसे में इस मेटाडोर में सवार कई लोग थे, जिनमें से 8 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच करने के दौरान वसूली के आरोपों का सामना कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े एनसीबी के दफ्तर पहुंचे। दूसरी ओर एनसीबी के विजिलेंस चीफ ज्ञानेश्वर सिंह एनसीबी कैंप ऑफिस पहुंचे हैं, जहां पर आपको बता दें क्रूज ड्रग्स केस की जांच से जुड़े एनसीबी के एक विशेष और अफसर आशीष रंजन प्रसाद से पूछताछ होगी। ऐसे में दिल्ली से आई एनसीबी की टीम की तरफ से पूछताछ की जाएगी। तो आपको बता दें वसूली के आरोपों को समीर वानखेड़े ने खारिज किया है, लेकिन आज एक बार फिर से समीर वानखेड़े से पूछताछ की जाएगी। एनसीबी दफ्तर समीर वानखेड़े पहुंच चुके हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप अभी भी बरकरार है। देश में अभी भी बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,156 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि कल 733 लोगों की जान गई है, जिसके बाद अब तक मरने वालों की संख्या 4,46,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 17,095 लोग ठीक भी हो चुके हैं। और ऐसे में देश में इस वक्त सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,60,000 से ज्यादा हो चुकी है। देश में अब तक कोरोना के 3,42,31,809 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कल कोरोना की 49 लाख से ज्यादा डोज भी दी गई, जिसके बाद देश में अब तक 104 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 12,90,900 सैंपल टेस्ट किए गए थे, जिसके बाद कल तक कुल 60 करोड़ से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। तो ऐसे में देश में अभी भी कोरोना का प्रकोप बरकरार है। और लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मामले कोरोना के कम हो रहे हैं, मामलों में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जान गंवाने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और बीते 24 घंटे में 733 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी है। मथुरा के जाट बाहुल्य क्षेत्र में मांड विधानसभा के
मोरके इंटर कॉलेज मैदान में बाजना में राष्ट्रीय लोक दल की ओर से आशीर्वाद पथ सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पहुंचे राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि जब मोदी जी आए तो नोटबंदी होने से घर घर की पूंजी खत्म हो गई, साथ ही छोटे कारखाने, छोटे व्यापार, सरकारी नौकरी, रोजगार खत्म हो गया। जब कोरोना आया तो बिस्तर, ऑक्सीजन खत्म हो गया। जयंत चौधरी ने कहा कि योगी जी, मैं कहना चाहता हूँ कि अब आपका समय भी खत्म हो चुका है। जयंत चौधरी का जनसभा स्थल मोरकी मैदान पहुंचने पर पगड़ी बांधकर उनका भव्य स्वागत किया गया और मंच पर किसानों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद उनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया है, इसीलिए आप सभी का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 11 महीनों से किसान धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। किसानों की हत्या हो रही है और उन्हें भेड़िया, खालिस्तानी और आतंकवादी भी कहा जा रहा है। आशीर्वाद पथ का कार्यक्रम चल रहा है, निरंतर हम लोगों के बीच जा रहे हैं। जिन लोगों ने चौधरी साहब के साथ काम किया, चौधरी अजीत सिंह जी के साथ किया, उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास है। और जो यूपी की चुनौतियां हैं, जो यूपी के मुद्दे हैं, उनको लेकर हम जा रहे हैं पब्लिक के। देखिए, आप खुद ही हिसाब लगा लो। योगी जी पहले कहते थे 20 लाख को नौकरी दी, फिर का 25 लाख को दी, फिर का 1 करोड़ को दे दी आपदा में, और आज पूरे देश में होर्डिंग लग रही जिसमें कह रहे हैं 4 लाख को नौकरी दी। तो इनके हिसाब बदलते रहते हैं। हमने बैठ के हिसाब लगाया, एक तो सरकारी भर्तियां हैं, साथ ही निजी क्षेत्र को अगर आप बढ़ावा दे देंगे, कम निवेश में नौकरी उत्पन्न हो सकती है। बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने बंधक बैंक कर्मी से हथियार के बल पर 1,10,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है और मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि बंधन बैंक में कार्यरत महिला समूह बगरस से बंधन बैंक कर्मी अमरजीत कुमार 1,10,000 रुपए लेकर वापस बंधन बैंक भगवानपुर जा रहा था। उसी दौरान रास्ते में एक बाइक पर सवार 3 अपराधी हथियार के बल पर 1,10,000 रुपए सहित मोबाइल, टैब और मार्फो डिवाइस लूट का मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़ित ने थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। हमे तो हुआ रही है, ये है कनियन जी रख लेते हैं शीशो में, हुआ शीशा में तो दौड़ा एगो बिको एगो ई। बिजनौर के जाप्तागंज का रहने वाला शुभम आए दिन मामूली कहासुनी को लेकर अपनी माँ से झगड़ा करता रहता था। शुभम नशे का आदी था, माँ ने के मना करने पर भी उनकी बात को अक्सर वो नज़रअंदाज करता था। बीती रात शुभम और उसकी माँ सविता और बहन से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसको लेकर गुस्साए शुभम ने अपनी माँ बहन के सर पर भारी भरकम चीज से वार कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल भेजा, जहाँ इलाज के दौरान माँ ने दम तोड़ दिया। वहीं बहन की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घेराबंदी करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो बिजनौर का ये पूरा मामला है, जहां पर बेटे ने अपनी मां के सर पर किसी भारी चीज से हमला कर दिया, जिसके बाद इलाज के दौरान मां की जान चली गई। ऐसे में बता दें बहन पर भी उसने हमला किया था, हालांकि बहन की हालत भी अभी गंभीर बताई जा रही है और अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। थाना नजीबाबाद के जाप्तागंज मोहल्ले में शुभम नाम का एक नवयुवक जो मानसिक रूप से विक्षिप्त रहता था, अपने माँ के ऊपर पहले भी अटैक कर चुका था, आज अर्धरात्रि में अपनी माँ सविता और बहन चंचल के ऊपर ब्लंट ऑब्जेक्ट से हमला किया। माँ की मौत हो गई और बहन का इलाज चल रहा है। यह बताया जा रहा है कि इसका इलाज भी चल रहा है और पहले से भी ये पारिवारिक क्लेश विवाद एवं मानसिक असंतुलन के कारण इस प्रकार की हरकत करता रहता है।
कासगंज के सोरो कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। युवक का शव कई टुकड़ों में शत विशत अवस्था में मिला। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही फिलहाल मृतक युवक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो कासगंज का यह पूरा मामला है, जहाँ पर अज्ञात युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। हालांकि युवक कौन है, कहाँ का रहने वाला है और कैसे ट्रेन की चपेट में आ गया, इस बात की कोई भी अभी तक जानकारी नहीं मिली है। ना ही तो युवक के शव की पहचान हो पाई है, लेकिन पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आगे के मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। सहारनपुर के हकीकत नगर स्थित कैंप कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में आरती शर्मा को रालौद महिला विंग की जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। जिलाध्यक्ष मनोनीत होने पर आरती शर्मा का स्वागत भी किया गया। रालौद महिला विंग की नव नियुक्त जिलाध्यक्ष आरती शर्मा ने कहा कि जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है, उस पर वो खरा उतरने का काम करेंगी। तो तस्वीरें देख सकते हैं, आरती शर्मा को कार्यकर्ताओं ने आरती शर्मा का स्वागत किया और ऐसे में आरती शर्मा को रालौद महिला विंग की जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई है। और जिलाध्यक्ष बनने के बाद आरती शर्मा वहां पर पहुंची, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जिम्मेदारी दी गई है, उसको मैं पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगी और जितनी हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, आने वाले चुनाव में जैन चौधरी जी के हाथों को मजबूत करने के काम करेंगे। गोंडा में बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने बयान देते हुए ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जो धारा के विपरीत चलेगा, उसकी पहचान मिट जाएगी। 2017 विधानसभा चुनाव में नतीजा सबके सामने है। मुस्लिम का वोट सभी को चाहिए, लेकिन ओवैसी को कोई मंच पर नहीं लाना चाहता। अगर ओवैसी का समझौता होगा तो वो राजभर के जरिए होगा। बीजेपी सांसद ने मुस्लिम समाज को अपनी जात में शामिल होने के लिए भी ऑफर दिया है। तो आपको बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से यह बयान दिया गया है। सपा पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों का वोट हर किसी को चाहिए, लेकिन ओवैसी को कोई भी मंच नहीं देना चाहता है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि सपा और राजभर के गठबंधन को लेकर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। कहा कि अगर ओवैसी का समझौता होगा तो वो राजभर के जरिए ही होगा। बीजेपी सांसद ने मुस्लिम समाज को अपनी जात में शामिल होने के लिए भी ऑफर दिया है। देखे होंगे कि अगले लोकसभा के चुनाव में बसपा और सपा एक मंच पर आए थे और उसका परिणाम आपने देख लिया है कि क्या हुआ। देखिए, धारा के साथ आप चलेंगे तो आपका सफ़र पूरा होगा, धारा के विपरीत आपका सफ़र बहुत कठिन होगा। आज जो राजभर हैं, ये धारा के विपरीत चल रहे हैं, ये धारा के साथ नहीं चल रहे हैं। राजभर समाज जो है, जो गांव का आदमी है, वो सदैव भारतीय जनता पार्टी को मदद किया है और मैं राजभर को चुनौती देता हूं कि राजभर सारे राजभरों के नेता नहीं है। जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह जनसंकल्प सेवा यात्रा के चलते अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार कुछ मामलों में अच्छी है तो कुछ मामलों में काम नहीं कर पा रही है, जिसमें महंगाई बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से घरेलू दैनिक उपयोग की वस्तुएं लगातार महंगी होती जा रही है, इसी की वजह से लोगों को आज कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की भी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, उन किसानों से अलग असली किसान खेतों में काम कर रहे हैं। वहीं योगी सरकार में कानून व्यवस्था के सवाल पर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने कहा कि आप भी जानते हैं कि हम भी जानते हैं कि सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं। तो अलीगढ़ में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें, अलीगढ़ पहुंचे रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार अगर कुछ काम सही कर रही है तो कुछ काम ऐसे भी हैं जो वो नहीं कर पा रही है। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जो ज़रूरी सामान लोगों के
है उनमें महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसे में किसानों के मुद्दे पर भी बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसान लगातार पिछले 11 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, तो वो किसान भी हैं जो खेतों में काम कर रहे हैं। किसानों की अपनी समस्या है, लेकिन हम यहाँ पर ये कहेंगे कि किसान आंदोलन तो हो रहा है, लेकिन कुछ किसान वो भी हैं जो लगातार खेतों में भी काम कर रहे हैं। अपने सम्मानित पदाधिकारियों से मिलने, जनता का आशीर्वाद जनसत्ता दल के प्रत्याशियों के लिए लेने के लिए और आप सभी लोगों से भेंट करने के लिए पूरे प्रदेश में यात्राएं निकल रही हैं। ये तीसरी यात्रा है जिसका आज दूसरा दिन है, आगरा से आरंभ होकर के नोएडा तक। इसका मकसद क्या है? हमने बताया ना कि सभी सम्मानित पदाधिकारियों समर्थकों से मिलना, उनकी राय जानना, उनसे भेंट करना और सम्मानित जनता से जनसत्ता दल प्रत्याशी के पक्ष में आशीर्वाद लेना। यूपी में विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? योगी जी की सरकार चल रही है, पहले भी सरकार उसी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखिए, वो प्रश्न आप किसी भाजपा के प्रवक्ता से करें वो एक अलग विषय हुआ। हमसे आप जनसत्ता दल के विषय में जो प्रश्न करेंगे उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते क्या स्थिति है इस वक्त? कुछ मामलों में अच्छी है, कुछ मामलों में नहीं है। कुशीनगर का व्यवसाय कस्बा सेवर हरी का मुख्य मार्ग पिछले साल से राजनीतिक वादों की भेंट चढ़ गया है। ये वही कस्बा है जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक अजय लल्लू का निवास स्थान है और उन्हीं के घर पर बगल में लंबे समय से खराब सड़क निर्माण के लिए पूर्व नगर चेयरमैन ध्रुव भवन जायसवाल 12वें सप्ताह से धरना दे रहे हैं। धरना स्थल पर समाजवादी पार्टी के विधानसभा प्रभारी सुरेश यादव व पूर्व ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर उदय नारायण गुप्ता सहित कई नेताओं ने धरने का समर्थन करते हुए सभा भी की और खराब हालत के जिम्मेदार क्षेत्रीय विधायक अजय लल्लू चेयरमैन विश्वकर्मा और ईओ अजय गुप्ता को जिम्मेदार ठहराते हुए आने वाले 12 नवंबर से कार्यालय घेराव सहित बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो कुशीनगर का ये पूरा मामला है जहां पर सेवरही नगर पंचायत की बदहाल अवस्था किस तरह से है ये तस्वीरों में देखा जा सकता है और इसीलिए पूर्व चेयरमैन विरोध कर रहे हैं और ऐसे में ना तो सड़क बनी है, सड़कों की हालत तस्वीरों के जरिए देखी जा सकती है, जगह जगह पर कूड़े का भी ढेर नजर आ रहा है। हालत किस तरह है, वादे तो किए गए थे चुनाव से पहले लेकिन उसके बाद भी ना तो मरम्मत की गई है और ना ही कोई सुधार किया गया है। इस मुद्दे सहित प्रदेश में जितने भी जनहित के मुद्दे हैं, सड़कें के मुद्दे हैं, उसका लेकर लगातार समाजवादी पार्टी आंदोलन कर रही है और अधिकारियों से वार्ता भी कर रही है, लेकिन कष्ट की बात यह है, दुख की बात यह है कि ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है और व्यापारियों का ये नहीं चाहती है व्यापारी शुद्ध रूप से व्यवसाय करे, किसान अपना खेती कर सके, नौजवान नौकरी कर सके। इस तमाम जो क्षेत्र में लोग हैं उनको दबा देना चाहती है और केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुँचाने का काम कर रही है। जो देश में 15 से 20 पूंजीपति हैं उनको लाभ पहुँचाने का काम कर रही है। रोहतास के नौखा थाना क्षेत्र में बरम मारे के पास एक वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एक ही बाइक पर सवार होकर तीन युवक सासाराम से नौखा की तरफ जा रहे थे, इसी दौरान एक वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो रोहतास का पूरा मामला है जहाँ पर बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें एक बाइक पर तीन युवक सवार होकर जा रहे थे, ऐसे में एक वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी जिससे एक युवक की मौत हो गई जबकि दो अन्य युवक घायल बताए जा रहे हैं जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। बराम मोड़ पर पेपर्स वाले थे अपाची वाले जो कि सासाराम से नोखा की तरफ जा रहे थे जो कि अज्ञात वाहन से टक्कर हुई जो कि एक तो वहाँ पर जीवित है, तीन में एक तो जीवित है, सीरियस थे जो लाने में अस्पताल में रास्ता में मौत हो गई और दो का इलाज चल रहा है। रोहतास के शिव सागर ब्लॉक के आलमपुर में आश्रम के पास से गुजरने वाली हरतो नदी में रोहतास जिला भूमि संरक्षण विभाग ने करीब 7 महीने पहले एक चेक डैम का निर्माण किया था।
ताकि आसपास के किसानों के खेतों की सिंचाई हो सके। लेकिन करीब 7 महीने पहले बना चेक डैम पहली बारिश के पानी के साथ ही बह गया। ऐसे में गुणवत्ता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। तो रोहतास का एक पूरा मामला है जहां पर पानी के बहाव में चेक डैम बह गया। हालांकि 7 महीने पहले ही इस डैम का निर्माण कराया गया था ताकि किसानों के खेतों में सिंचाई कराई जा सके, पानी आसानी से पहुंच सके। लेकिन ऐसे में तस्वीरें देख सकते हैं कि बारिश के बाद ये पानी में चेक डैम पूरी तरह से बह गया और किसानों की सिंचाई तो दूर की बात है, लेकिन ऐसे में अब इसकी गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। तो रोहतास का ये मामला है जहां पर पानी के बहाव में ये चेक डैम बह गया है। आपको बता दें किसानों के खेतों में सिंचाई हो सके, किसानों की मदद हो सके, इसलिए इस चेक डैम का निर्माण कराया गया था और 7 महीने पहले ही निर्माण कराया गया था। लेकिन इसमें भ्रष्टाचार किया गया और ऐसे में ये बारिश के पानी में ही बह गया है। ये जबरन बना दिया गया है। लोग साहब लोग आए सर पटना से, वो बोले कि नहीं यहाँ से नहीं बनेगा और आगे बनेगा वहाँ, वहाँ से पटवन इधर का हो जाएगा अभी जी। लेकिन वो ठेकेदार यहाँ बना दिए हैं अपने मनमानी, कुछ पैसा वैसा इधर उधर घुस घास दे दिए होंगे। इससे फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। कैसे टूट गया? टूट गया है बाढ़ बनाने से। क्या कैसा बना था कि टूट गया? माने पहाड़ी पानी आया ज्यादा, पहाड़ी ज्यादा पानी आने से कुछ खनार खुनार दिया, इधर इधर पानी पड़क रहा था। कितना दिन पहले बना था ये? 3-4 महीना पहले बना। रोहतास का ये पूरा मामला है जहां पर चेक डैम की गुणवत्ता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। आपको बता दें 7 महीने पहले इस चेक डैम का निर्माण कराया गया था, लेकिन निर्माण में कितनी अनियमितताएं थी ये इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि बारिश के पानी की वजह से हरदो नदी में रोहतास जिला भूमि संरक्षण विभाग ने इसका निर्माण कराया था, लेकिन बारिश के पानी में 7 महीने बाद ही ये चेक डैम पूरी तरह से बह गया है। मधुबनी के सभी लोगों को कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने के लिए एक बार फिर से 28 अक्टूबर को जिले में कोविड-19 टीकाकरण महाभियान चलाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। टीकाकरण महाभियान की तैयारियों को लेकर जिला पदाधिकारी अमित कुमार की तरफ से आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा उन्होंने दीपावली और छठ महापर्व को देखते हुए बाहर के राज्यों से जिले में प्रवेश कर रहे लोगों की कोविड-19 टेस्टिंग में भी तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। तो मधुबनी में आज टीकाकरण का महाभियान चलाया जा रहा है और उसको लेकर बैठक भी पहले की गई थी। जिला पदाधिकारी ने दिशा निर्देश भी दिए और ऐसे में टेस्टिंग में भी जोर दिया है कि टेस्टिंग में तेजी लाई जाए, क्योंकि आपको बता दें त्यौहार का सीजन है। ऐसे में दीपावली और छठ के महापर्व को देखते हुए बिहार में जिस तरह से अब लोगों की संख्या और बढ़ेगी, जो लोग बाहर दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं वैसे में अपने घर त्यौहारों पर पहुँचेंगे, तो उसको देखते हुए भी जिलाधिकारी ने दिशा निर्देश दिए हैं कि अब टेस्टिंग की रफ्तार और ज़्यादा बढ़ा दी जाए और आज एक बार फिर से टीकाकरण का महाअभियान का आयोजन किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लग सके। हमारे आगे के कार्यक्रम में कल 7 तारीख को मेगा ड्राइव होगी, बीच में भी हम लोग एरिया स्पेसिफिक मेगा ड्राइव करते रहे कि वैसे लोग जहाँ पर निर्वाचन हो चुका है, जहाँ पर हमारी टीम स्टक नहीं, निर्वाचन के कार्यक्रम के चलते भी टीकाकरण को थोड़ा सा कि देखना हुआ कि टीका जो है वो उस हिसाब से नहीं हो पाया जैसा हम लोगों ने प्लान किया। तो वैसे सभी ब्लॉक जहाँ पर निर्वाचन हो चुका है और जहाँ पर अधिक संख्या में लोग अभी छूटे हुए हैं वो आकलन भी हम लोग कर चुके हैं। वो 29 तारीख से लेकर 6 तारीख तक हम लोग करते रहेंगे, 7 तारीख को फिर से मेगा ड्राइव कराएंगे। इस बीच में एक सर्वेक्षण सेकेंड राउंड का फिर से करा लेंगे ताकि एग्जैक्टली जो भी लोग छूटे हुए हैं उनकी हमको स्थिति कहाँ पर है, किस ब्लॉक में है, किस पंचायत में है, किस वार्ड में, वो हमको बताना चाहिए।
डीआरटीए सभागार सासाराम में डीएम रोहतास धर्मेंद्र कुमार की मौजूदगी में रोहतास जिला स्थापना दिवस को लेकर बैठक में कई निर्णय लिए गए। स्थापना दिवस के चलते 10 नवंबर को प्रभात फेरी और सद्भावना मार्च भी जिला मुख्यालय सासाराम में निकाला जाएगा। ऐसे में रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया है कि छठ महापर्व को ध्यान में रखते हुए स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर कई निर्देश भी दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि छठ पर्व के दौरान भी छठ घाटों पर रोहतास जिला के गौरवशाली इतिहास और वर्तमान उपलब्धियों को प्रदर्शित भी किया जाएगा। तो ऐसे में रोहतास में स्थापना दिवस को लेकर बैठक की गई, जिसमें बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। 10 नवंबर को ये मार्च निकाला जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां अभी से जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।